पूर्व मंत्री व सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने शनिवार को विधानसभा के गेहूं खरीदी केंद्र सोनकच्छ भोरासा टोंग खुर्द व पीपल रावा का निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान वर्मा ने किसानों से गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान पीपल रावा केंद्र पर गेहूं बेचने आए ग्राम भाई कला के किसानों ने बताया कि हम पिछले 8 से 10 दिनों से यहां भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। वही ट्रैक्टर का भाड़ा महंगा पड़ रहा है, कभी बारदान खत्म हो जाते हैं तो कभी कर्मचारी सुनते नहीं। वही कुछ किसानों ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे से तुलाई करने की व्यवस्था करने की मांग की, जिस पर वर्मा ने कहा कि मुझे बारदान खत्म होने की सूचना मिली थी, जिस पर मैंने कल बारदान पीपल रावा भिजवाए हैं। साथ ही उन्होंने उप मंडी बाहर स्थित निजी इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे पर गेहूं की तुलाई करवाने के लिए अधिकारियों से फोन पर चर्चा भी की। कदम बढ़े हैं मध्य प्रदेश में और किसान के खून के आंसू निकल रहे हैं। किसान को गेहूं पैदा करने में इतना परिश्रम नहीं लगा जितना गेहूं बेचने में उसको मुसीबतें आ रही हैं, उसको परिश्रम लग रहा है। नौ नौ दिन से ट्राली लेके खड़े हुए हैं, कभी इस खरीदी केंद्र का नंबर देते हैं, कभी 50 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र का नंबर देते हैं। मतलब किसान की आधी जान तो शिवराज ने ले ली। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उन्होंने बीजेपी में शामिल, उन दोनों से आज बंद कमरे मुलाकात की देवास में, क्या कहेंगे? कैलाश विलाश की वक्त नहीं है भाई, तो दीपक जोशी को बैठा ले या मनोज चौधरी को बैठा ले बंद कमरे में खुले मैदान में। मनोज चौधरी 25,000 से चुनाव आज की तारीख में हार्ट पीपलिया से हार रहे हैं, ये सज्जन वर्मा पीपल रावा की धरती पे खड़ा होकर बोल। उपचुनाव के क्या नतीजे रहेंगे? 24 में से 22 सीट कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस और कमलनाथ फिर सरकार बनाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राणा, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र नागर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर सहित किसान बंधु उपस्थित थे। न्यूज इंडिया 9 सोनकच्छ पीपल रावा से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट।